हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे हो। अब इस वीडियो में देख सकते हो आप बेंगलुरु पे कहाँ कहाँ पे घूम सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इस्कॉन टेंपल के एंट्री गेट है। अभी हम लोग बेंगलोर के इस्कॉन टेंपल पे आए हैं और चल के देखते हैं इस्कॉन टेंपल कैसा दिखता है, और मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ बेंगलोर के इस्कॉन टेंपल कैसा दिखता है। इस्कॉन टेंपल के चारों तरफ खूबसूरत सा गार्डन है और ये कुछ ऐसा दिखता है। शू पहन के आप टेंपल में एंट्री नहीं कर सकते हो। टेंपल में एंट्री करने के लिए अपना शू टेंपल काउंटर पे जमा करने के बाद आप टेंपल पे एंट्री कर सकते हो। टेंपल के अंदर कोई भी कैमरा अलाउड नहीं है, सिर्फ अपने फोन से आप फोटो खींच सकते हो। ये मेन टेंपल है, इसके अंदर कोई भी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। अगर आप प्रसाद या भगवान की मूर्ति खरीदना चाहते हो तो मंदिर से एग्जिट करने के बाद आपको बहुत सारे शॉप मिल जाएगा मूर्ति या प्रसाद खरीदने के लिए। इस्कॉन टेंपल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग आए हैं टीपू सुल्तान पैलेस पे, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ टीपू सुल्तान पैलेस कैसे दिखता है। टीपू सुल्तान पैलेस पे एंट्री करने के लिए आपको टिकट ऑनलाइन लेना होगा। टीपू सुल्तान पैलेस के एंट्री गेट पे एक क्यूबर कोड है, वो क्यूबर कोड स्कैन करके आप वो टिकट ले सकते हो। पर पर्सन इंडियन के लिए 15 रुपये एंड फॉरेनर के लिए 200 रुपये चार्ज करता है। ये पैलेस का फ्रंट व्यू है। ये पैलेस का बैक साइड व्यू है। ये है वेंकटप्पा आर्ट गैलरी। यहाँ पे एंट्री करने के लिए एंट्री टिकट लेता है पर पर्सन 20 रुपये।
ये है विश्वेश्वराया म्यूजियम। यहाँ पे एंट्री करने के लिए एंट्री टिकट लगता है पर पर्सन 85 रुपीज। इस म्यूजियम के अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग देखने की चीज है। स्टूडेंट के लिए यह म्यूजियम बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इस फ्लोर पे आपको डिफरेंट टाइप के इंजिन देखने को मिलेगा। इस फ्लोर पे आपको बहुत सारे सैटेलाइट्स, मिसाइल्स एंड अदर कंपोनेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये बेंगलुरु के विधानसभा है। ये कुबन पार्क है। ये विधानसभा से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। ये कर्नाटक के हाई कोर्ट है। ये आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर है। ये मेन बेंगलोर सिटी से 21 किलोमीटर दूरी पे सिचुएटेड है। रात में इनकी खूबसूरती कुछ ऐसा दिखता है। ये है डोडा अलादा माड़ा। यहाँ पे आप जितने भी ट्रीज देख रहे हो उन सब की उम्र 400 साल से ज्यादा है। अभी मैं बेंगलोर फोर्ट पे आया हुआ हूँ और आप लोग मेरे पीछे फोर्ट का कुछ नज़ारा देख सकते हो। ये बेंगलुरु फोर्ट का एंट्री गेट है।
ये फोर्ट राजस्थान के फोर्ट के जैसा नहीं है, फोर्ट काफी छोटा है एंड फोर्ट के अंदर ज्यादा कुछ देखने के लिए है भी नहीं। यह है बुल टेंपल का एंट्री गेट। बुल टेंपल पे नंदी देवता के पूजा किया जाता है और टेंपल के बाहर एक पार्क है, उसका नाम है ब्यूगल रॉक। ये है बुल टेंपल। यह है लाल बाग बोटानिकल गार्डन। ये बोटानिकल गार्डन टोटल 34 एकड़ जमीन पे फैली हुई है। ये है बेंगलोर पैलेस और ये बेंगलोर पैलेस का फ्रंट व्यू है। ये फोर्ट के अंदर के फुटेज है। फोर्ट के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फोर्ट के बारे में जानने के लिए ऑडियो क्लिप प्रोवाइड किया जाता है। ये ऑडियो क्लिप बहुत सारे लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप अपना मनपसंद लैंग्वेज चूज करके ऑडियो क्लिप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एंट्री फी लगता है इंडियन के लिए 230 रुपये, 460 रुपये फॉरेनर के लिए। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हो मोबाइल से तो उसके लिए चार्जेस पे करना पड़ता है आपको 280 रुपये एंड स्टील कैमरा के लिए 685 रुपये एंड वीडियो कैमरा के लिए 1485 रुपये।
यह है बिनारघटा बस स्टैंड। अगर आप बिनारघटा नेशनल पार्क बस से आते हो तो यही बस स्टॉपेज पे आपको उतरना पड़ेगा। इस बोट पे सफारी एंड जू के एंट्री टिकट के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ये बिनारघटा पार्क का एंट्री गेट है। अभी हम लोग सफारी करने जा रहे हैं और बस में क्या होता है और सफारी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है आप लोगों को बाद में बताऊंगा सफारी करने के बाद। तो चलिए चलते हैं सफारी करने। सफारी करने के लिए आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। जब आपका टर्न आएगा सफारी के लिए तभी आपको यहाँ से बुलाया जाएगा। जंगल में सारे एनिमल्स को ही खुला छोड़ा हुआ है, सिर्फ टाइगर को ही पिंजरे में कैद करके रखा। यहाँ पे ही हम लोगों के सफारी फिनिश्ड होता है और सफारी बहुत ही मजेदार रहा और इसी बस से हम लोग सफारी करने गए थे। ये है बटरफ्लाई पार्क।
यहाँ पे स्कूटी रेंट पे लेना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप स्कूटी रेंट पे लेना चाहते हो तो मोबाइल पे आपका वोगो ऐप डाउनलोड करना होगा और इसके थ्रू आप स्कूटी रेंट पे ले सकते हो। अभी मैं हूँ बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड रेलवे स्टेशन पे और मैं आप लोगों को कैमरा रिवर्स करके दिखाता हूँ व्हाइट फील्ड रेलवे स्टेशन कैसा दिखता है। बेंगलुरु में सबसे कम बजट में आपको होटल मिल सकता है काटगुड़ी पे। अगर आप ट्रेन से काटगुड़ी आते हो तो आपको व्हाइट फील्ड रेलवे स्टेशन पे उतरना होगा। यहाँ पे होटल का मिनिमम प्राइस स्टार्टिंग होता है 300 रुपये से। अगर आप काटगुड़ी बस से आना चाहते हो तो ये ऑप्शन भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये काटगुड़ी का बस स्टॉप है। इंडिया के दूसरे सिटी के कंपेयर में बेंगलुरु के बस सर्विस बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप एक दिन दो दिन के लिए बस का पास भी कर सकते हो और बस का पास करके आप पूरे बेंगलुरु बस से ट्रेवल कर सकते हो। यही था बेंगलुरु का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बेंगलुरु के बारे में अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, टेक केयर दोस्तों।